गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, नवजात शिशु को चोरी करने वाले 3 पुरुष व 8 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 11 अभियुक्तों के पास 5 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। लोनी पुलिस द्वारा चोरी हुए नवजात शिशु को किया गया बरामद। बच्चा बिक्री के 5 लाख रुपए बरामद कर 11 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 महिलाएं सहित 3 पुरुष गैंग में शामिल थे, पुलिस ने किया खुलासा। वहीं एसपी ग्रामीण रजा ने बताया कि मांग कर खाने वाले परिवार का यह बच्चा 15 दिन पहले चोरी कर लिया गया था। नवजात शिशु की माता को चीनी के शरबत में नशीला पदार्थ देकर नवजात शिशु को किया गया था चोरी। देखिए इस रिपोर्ट में। थाने पर सूचना दी तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें से पता चली हमको कि किस तरह के और भी लोग हैं जिसके साथ जिसका बच्चा बेचा गया है। इसमें पूरा एक ग्रोह का पता चलना शुरू हुआ, हमें चेन हमने बनाना शुरू की इसमें। तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ में ये थी कि ये लोग उनको टारगेट करते थे जो कि गरीब परिवार होते हैं, उनके उन लोगों को लालच देके कि आपका बच्चा हम बिकवा देंगे इस तरह से। तो वही लोग इस घटना में भी शामिल थे। इसमें इन्होंने बच्चा इसका वहाँ से चोरी करके ले गए और फिर इस बच्चे को फर्दर आगे कई हाथों से बच्चा होता हुआ निकला और अल्टीमेटली बच्चा एक दिल्ली की एक महिला थी, उसने बच्चा लखनऊ में एक दंपति हैं उनके रिलेटिव ने वो बच्चा उससे लिया, 5.5 लाख रुपये में बच्चा खरीदा। तो ये पूरा इसमें चेन थी। इसमें लगभग 14 लोगों के नाम इसमें प्रकाश में आए टोटल, जिसमें 11 लोगों की हम गिरफ्तारी कर चुके हैं। जो नवजात बच्चा था उसको हमने लखनऊ से बरामद कर लिया है। सर, इसमें कितने बच्चे अभी तक बेचने की जो बात सामने आई, कितने ये जो गिरोह है अभी तक कितने बच्चों को ऐसे चोरी या बेचने? इन्होंने काफ़ी एक्सेप्ट किया है, कई इन्होंने बताया, कई इन्होंने अपने घर परिवार के बच्चे भी एक दूसरे के यहाँ पर बिकवाए हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि हाँ, वो लोग उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हुए, ये जो बीच मैंने जो बिचौलिए हैं यही काम करते हैं मजबूरी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि उधर वाला भी मजबूर है, इसको बच्चा चाहिए और जिसको बच्चा जिसको पैसे की ज़रूरत है उसकी फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह से बच्चा इसमें बच्चा जो था इस पर्टिकुलर घटना में जो बच्चा गया था वो हमने लखनऊ से बरामद किया है। इसके अलावा बिचौलियों के पास से हमें 5 लाख रुपये बरामद हुए कैश, जो कि जिसको बच्चा बेचा जाना था उस व्यक्ति ने इनको पैसे दिए थे। इसमें लगभग 50,000 रुपये इन लोगों ने खर्च कर लिए और 5 लाख रुपये हम लोगों ने इसमें बरामद किए हैं। और इसमें अभी हम और भी काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं कि और बच्चे जो थे वो कहाँ कहाँ बेचे गए हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं जो लोग इसमें शामिल हैं, उनकी किस तरह की प्रोफाइल है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं? इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है देखने वाली कि ये लोग पूरे हमारे जैसे गाजियाबाद में हम देखें तो कई स्थानों पर ये लोग अपना सेटल हो रखे हैं। मसूरी से भी कनेक्शन है, मुरादनगर से भी कनेक्शन है, लोनी से भी कनेक्शन है, दिल्ली से फिर इन लोग का कनेक्शन है। तो उस तरह से बीच में एक चेन में एक महिला सामने आई जो कि अपने को डॉक्टर होने का दावा करती है, लेकिन असल में उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, ना ही नर्सिंग की डिग्री है, ना ही कोई डॉक्टरी की डिग्री है। वो महिला का काफ़ी अहम रोल था। वो महिला ने ये बच्चे और इसके अलावा और भी बच्चे इसी तरह से दिल्ली में भेजे। जो अभी बच्चा बरामद हुआ है, जिस दंपति ने वो बच्चा खरीदा था उसकी प्रोफाइल क्या है? बहुत ही गरीब तबके के हैं, भीख मांग के ही काम अपना चला सकते हैं। खरीदने वाले की बात कर रहा हूँ, खरीदने वाले भी कोई बहुत उसके नहीं है, बाकी उनकी आइडेंटिटी इस समय हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कारण है, अभी हमारी योजना चल रही है। लेकिन जिसने खरीदा था उनका एक रिश्तेदार था, तो वो है बहुत ज़्यादा कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि एक दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उन्होंने बिचौलिए ये काम करते हैं और इस तरह से बच्चों का एक तरह से ट्रेड हो गया। ये बहुत ही गलत काम करते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी सफलता हमारे CEO लोनी साहब ने और SHO लोनी उन्होंने और हमारी जो टीम थी बिहार की SOG टीम ने, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। बहुत ही मेहनत से लगातार कई दिन काम करके इसमें 11 अभियुक्तगण टोटल अब तक पकड़े गए हैं जो कि पूरी चेन में शामिल थे। इनसे हमें और भी काफ़ी जानकारियाँ मिली हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमीशन एवं अन्य संस्थाएँ जो हैं इस क्षेत्र में जो काम करती हैं उनसे भी हम जानकारी साझा करेंगे एवं अन्य जो बच्चे हैं उनको भी बरामदगी का प्रयास करेंगे। कितने बच्चे बेचने की बात स्वीकार आई सकता है? काफ़ी बच्चे